हाय गाइस, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप आईआईटी से और इंडिया की टॉप लेवल यूनिवर्सिटी से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट फ्री में कर सकते हैं। बिल्कुल आपको एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको आप अपने रिज्यूमे में सीवी में मेंशन कर सकते हैं और इस कोर्स से आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल कंसेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स विद एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट फ्री में कर सकते हैं, वो भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से, आईआईटी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने डिजिटल समझौते को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना, गूगल पे आपको सर्च करना है स्वयं। देखिए, स्वयं को सर्च करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, गवर्नमेंट वेबसाइट swayam.government.in, और ये इसका लोगो आप देख सकते हैं स्वयं का। अब देखिए, स्वयं एक्चुअली में है क्या, ये कोर्स प्रोवाइड कराता है स्वयं। आप आईआईटीज के कोर्स कर सकते हैं यहाँ से फ्री में, आप एनआईटीज के कोर्स कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स भी कर सकते हैं। और कोर्सेज के साथ यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाता है, बट सर्टिफिकेट का प्रोसेस ये रहता है कि आपको पहले कोर्सेज करना होता है और असाइनमेंट करना होता है, एंड देन आपके फिजिकल लोकेशन पर, लाइक जहां आप रहते हैं उस लोकेशन के आसपास कहीं सेंटर आता है, आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, देन सेंटर आता है, देन अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, देन आपको आईआईटीज का या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी का आप कोर्स कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलता है, और एक बहुत ही वैल्यूएबल सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि एग्जाम फिजिकल हो रहा है तो सर्टिफिकेट भी बहुत वैल्यूएबल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्वयं सेंट्रल पे आना है। जब आप इसमें आएंगे, इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपको इस इंटरफेस को ये बस स्कैमर के जो भी होते हैं, स्कैम करते हैं, उनके बारे में बताया गया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। स्वयं की वेबसाइट पे आ चुका हूं। स्वयं की वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले हम वेबसाइट को एक बार विजिट करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, यहां आप देख सकते हैं AICTE, CEC, IGNOU, IIM, सबको पता होगा IIM के बारे में, NCERT, इनके सभी, ये सभी इनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, NIOS, NITTR, NPTEL और UGC, ये सभी इनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना वैल्यूएबल कोर्स होगा। फिर उसके बाद बेस्ट इन क्लास इंस्ट्रक्टर, सबसे अच्छी बात ये है ये कोर्स फ्री में गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, तो बेस्ट इन क्लास इंस्ट्रक्टर, वीकली असाइनमेंट भी आपको मिलता है। फिर उसके बाद आप भी देख सकते हैं एग्जाम, आपको फिजिकल लोकेशन पर एग्जाम मिलता है, और क्रेडिट ट्रांसफर होता है। अब देखिए, क्रेडिट ट्रांसफर का क्या मतलब है, आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसमें आपको कुछ क्रेडिट एक्स्ट्रा मिल जाता है, क्योंकि ये कोर्स गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। जो एग्जाम होता है ये भी आपका फिजिकल लोकेशन पे होता है, तो एक वैल्यूएबल एग्जाम होता है, तो इसके साथ साथ आपको वैल्यूएबल कोर्स के साथ सर्टिफिकेशन भी मिलता है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्रेडिट मिल जाता है, कुछ क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है, एक्टिव लोकल चैप्टर्स और बहुत कुछ यहाँ पे है आप देख सकते हैं, और कुछ यहाँ पर लोगों के रिव्यू से आप इनको पढ़ सकते हैं। अब करना कैसे है कोर्स, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन इन और रजिस्टर कर लेना है, जिस भी अकाउंट से आप साइन इन करना चाहते हैं, गूगल से करना चाहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट से, फेसबुक से, जहां से भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो अभी मैं गूगल से साइन इन कर लेता हूं। तो मैंने स्वयं को लॉगिन कर लिया। अब आप देख सकते हैं स्वयं में, सबसे पहले यहाँ पे अबाउट स्वयं के बारे में, यहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जो भी कोर्सेज कराते हैं। देखिए, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये इतने टाइप की सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। जितने कोर्सेज IITs में होते हैं आप वो सर्टिफिकेशन यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप IITs में नहीं है। आप जितने कोर्सेज NITs में, जितने कोर्सेज IIM में या टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज में होते हैं, वो सभी कोर्स आपको यहाँ से कर सकते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की। तो ऑल कोर्सेज में आपको आना है। ऑल कोर्सेज में आने के बाद देखिए, यहाँ पे पूरे कोर्सेज आपको शो हो जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करें, लोडिंग हो रहा है। देन आपको देखिए पूरे कोर्सेज यहाँ पे शो रहे हैं। आप IGNOU से, देखिए IGNOU से ये सर्टिफिकेट कर सकते हैं, और बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपको चाहिए आप सर्च करें। अपकमिंग, देखिए यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, अपकमिंग एनरोलमेंट यानी कि एनरोलमेंट ओपन है, आप ओपन कर सकते हैं, या फिर विद इन वन मंथ के अंदर हर महीने एनरोलमेंट ओपन होते हैं। इस महीने अगर एनरोलमेंट खत्म हो गए होंगे आपके, तो अगले महीने फिर ओपन होंगे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और ऑनगोइंग यानी कि जो चल रहे हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे आके सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सर्च किया, तो देखिए ऑनगोइंग इनरोलमेंट में आप देख सकते हैं इनरोलमेंट क्लोज हो चुके हैं, बट ऑनगोइंग में आप देख सकते हैं बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डॉक्टर ललित एंजल, और यहाँ पे CEC से आपको मिलेगा, और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं DVV इंदौर, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है DVV इंदौर, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, यहाँ से भी आप डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट कर सकते हैं फ्री में। अभी मैं और भी डिटेल देने वाला हूँ। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर तेजेंद्र सिंह, यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी का है।
सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखिए ऑनगोइंग है, इसमें एनरोलमेंट क्लोज हो चुके हैं, पूरी बात सुनना, एनरोलमेंट क्लोज हो चुके हैं बट हर महीने एनरोलमेंट ओपन होते हैं। एनरोलमेंट जब ओपन होंगे तो आपको इस पे आना है, अभी एनरोलमेंट क्लोज है इसकी, लेकिन एनरोलमेंट हर महीने ओपन होते हैं, इस महीने ये महीना खत्म होगा देन नेक्स्ट मंथ फिर से एनरोलमेंट ओपन हो जाएंगे अप्रैल में, तो आप एनरोलमेंट कर लेना, अदरवाइज फिर से एनरोलमेंट क्लोज हो जाते हैं, सीट फुल हो जाती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि सीट फुल होने से पहले आप एनरोलमेंट कर लेना, क्योंकि फ्री कोर्स है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। चलते एक कोर्स पर, चलिए हम इस पे चलते पंजाब यूनिवर्सिटी के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, प्रोसीजर क्या रहता है, तो मैं इसको क्लिक करता हूं एंड देन हम आगे बढ़ते हैं, तो जस्ट वन सेकंड वेट करेंगे देन हम आगे डिस्कस करते हैं कि प्रोसीजर क्या रहता है कोर्स का, तो आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। तो देखिए मैं इस पे आ चुका हूं, डिजिटल मार्केटिंग बाय डॉक्टर तेजेंद्र पाल सिंह, और यहां पे आप देखेंगे कोर्स स्टेटस है ऑनगोइंग और ड्यूरेशन है 15 वीक का कोर्स है, और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था 4 जनवरी से, खत्म होगा 30 अप्रैल को, जैसे ही 30 अप्रैल को ये खत्म होगा देन इनका न्यू यानी कि न्यू जो है सेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम डेट है, जिन लोगों ने में लाइक रजिस्टर किया होगा उनकी एग्जाम की डेट भी पता है, उनकी एग्जाम डेट है 9 मई को उनका एग्जाम है, और एनरोलमेंट एंड हो चुका था 28 फरवरी को, यानी कि जब कोर्स जब स्टार्ट होता है उसके 2 महीने तक एनरोलमेंट होता है, तो आप एनरोल करा सकते हैं 28 फरवरी को 2021 को, इसका क्लोज हुआ है अभी जस्ट 28 फरवरी 2021 को क्लोज हुआ है, और फिर से हर महीने फिर से न्यू एनरोलमेंट ओपन होता है, तो आप फिर करा सकते हैं, इस महीने अप्रैल में भी आएगा इनका एनरोलमेंट, तो आप अप्रैल में एनरोलमेंट करा सकते हैं इनका, डोंट वरी। फिर कैटेगरी है देखिए मैनेजमेंट स्टडीज और लेवल एन का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, लेकिन इनके अच्छा लेवल का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, आप थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, ये इनकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं, अब कोर्स का लेआउट देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमें सिखाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बट डिजिटल मार्केटिंग, प्लानिंग ऑफ वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये देख सकते हैं सब कुछ है उसमें, एसईओ देखिए वेबसाइट के बाद एसईओ स्टार्ट हो गया, ईमेल प्लानिंग स्टार्ट हो गई, ऑन पेज एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, बिल्ड अ ईमेल मार्केटिंग लिस्ट, पेपर क्लिक, डिजाइनिंग, मॉनिटरिंग, यानी कि पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वन बाय वन स्टेप हर एक वीक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे असाइनमेंट भी देने होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक्स, कुछ बुक्स भी बताई हुई है, तो आप इन बुक्स को भी ले सकते हैं और इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ये कौन है डॉक्टर तेजेंद्र पाल सिंह, इनके बारे में पढ़ सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज में है। अब यहाँ पे कोर्स के सर्टिफिकेशन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, फिर हम बात करते हैं कोर्स सर्टिफिकेशन की, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कोर्स के सर्टिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, जो 30 मार्क्स हैं आपको इंटरनल, जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है हर वीक, यहाँ पे कुछ असाइनमेंट दिया जाता है उसको आपको सबमिट करना पड़ता है, जब आप कोर्स का करेंगे और इनकी ये वीडियो देखेंगे तो आपको सबमिट करने का पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा कैसे सबमिट करना है, तो हर वीक आपको कुछ असाइनमेंट सबमिट करना पड़ता है, तो उससे आपको 30 मार्क्स मिलते हैं और 30 मार्क्स का असाइनमेंट रहता है एंड 70 मार्क्स जो आप फिजिकल लोकेशन पर एग्जाम देंगे अपना उसमें 70 मार्क्स मिलेंगे, तो आप इन सब मार्क्स को कैलकुलेट करके शायद कुछ लाइक एवरेज 50% या कुछ 60% ऐसा कुछ रहता है, अगर टोटल मार्क्स 60-70% आते हैं, ये आप जब इनकी वीडियो देखेंगे उसमें वो डिटेल आपको दे देंगे कि कितने परसेंट मार्क्स लाना जरूरी है सर्टिफिकेशन के लिए, तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन इसी टाइप से, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का था, आप दूसरा देख सकते हैं, मैं दूसरे की सभी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज अलग अलग है लाइक, ठीक है। फिर हम चलते हैं डॉक्टर ललित के पास और देखते हैं ये किस टाइप का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर रहा है DAVV का, तो आप देख सकते हैं इनका भी 12 वीक का, उनका 15 वीक का था, इनका 12 वीक का है, 18 जून को स्टार्ट हुआ था, 14 दिसंबर को एंड हुआ है, और अब ये वाला शायद स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, तो इसका आप वेट कीजिए और इसमें एनरोल कर लीजिए। अब इसका लेवल है अंडर ग्रेजुएट, जो अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का दिख रहे थे उसका लेवल था पोस्ट ग्रेजुएट, अब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, वीक 1 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, वीक 2 में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, एंड देन सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, यानी पूरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री में और अच्छी लेवल का, IIT IIM है तो अच्छा लेवल ही होगा, एंड देन आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कौन आपको कोर्स पढ़ाएगा, ललित ये कोर्स पढ़ाएंगे, और फिर इसका भी ये है कोर्स सर्टिफिकेट 30% मार्क्स फॉर कोर्स असाइनमेंट एंड 70% मार्क्स फॉर एंड टर्म एग्जाम, तो ये आप इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स कीजिए क्योंकि इस सर्टिफिकेशन कोर्स से जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें आपको कुछ बोनस पॉइंट मिल जाएंगे आपके जॉब के लिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।